हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस तरीका का एल्बो में डम्मी सपोर्ट लगाने का तरीका इस पीडीएफ चार्ट के जरिए। हम इस एल्बो में डम्मी सपोर्ट कैसे लगाएंगे वो अब मैं आपको इसमें मार्किंग करके दिखाऊंगा। ये पीडीएफ चार्ट के जरिए हम मार्किंग कैसे करेंगे, इक्वल लगाना हो या अन इक्वल लगाना हो, आपको कोई भी साइज में लगाना हो और इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में लगाना हो, या फिर जैसे नीचे वाले एल्बो का जो ओडी है और ये डम्मी सपोर्ट का जो ओडी है, दोनों को मिलाना है बॉटम साइड में, तो ये बॉटम साइड इसको कहते हैं। और सेंटर टू सेंटर लगाना है, अब हमको सेंटर में बिल्कुल लगाना है डम्मी सपोर्ट, तो उसे हम सेंटर टू सेंटर कहेंगे। और टॉप साइड अगर लगाना है, इसका ओडी जो मैच करना है टॉप साइड में, तो उसे हम टॉप साइड कहेंगे। और इस तरीका का टी ब्रांच बनाना हो या फिर इस तरीका से लेटरल ब्रांच बनाना हो, तो वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। एल्बो डम्मी सपोर्ट अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे जो लाइन जो देख रहे हैं, सेंटर टू सेंटर लिखा हुआ है और ऊपर में लिखा हुआ है एल्बो डम्मी 90 डिग्री LR, मतलब लॉन्ग रेडियस में आपको लगाना है डम्मी सपोर्ट। और इसमें जो है बिल्कुल एल्बो के सेंटर में अगर आपको लगाना है तो आपको ये सेंटर टू सेंटर वाला लाइन आपको लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटर टू सेंटर वाला जो लाइन है, ये वाला आपको यूज करना है। वो कैसे मार्किंग करना मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको एल्बो में टॉप साइड लगाना हो या बॉटम साइड लगाना हो, तो ये टॉप साइड के लिए है, टॉप साइड के लिए ये वाला लाइन यूज करेंगे और बॉटम साइड के लिए ये वाला लाइन यूज करेंगे। तो ये जो आप पीडीएफ चार्ट देख रहे हैं ये 10x28 इंच का है, तो मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर पे और 4x6 का निकाल लेता हूँ। इसमें मार्किंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्किंग करना है। इस पाइप के ऊपर हम सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे पहले। ये जो आप पाइप जो देख रहे हैं, इसका ओडी जो होता है, पहले इसको ओडी को 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें स्पीड लेवल लगा करके इस तरीका से, जैसे आप ये फुटेज में देख रहे हैं, स्पीड लेवल लगा करके और हाफ ओडी का 2 जगह हम मार्किंग करेंगे और एक सेंटर लाइन मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद ये पाइप का जो CF होता है, ये वाला जो घुमाव वाला जो डायमेंशन होता है, इसे CF कहते हैं। जितना सेंटर लाइन में आपको मार्किंग करना है उतना से हम डिवाइड कर देंगे इस CF को। ये सरकम फेस बोला जाता है इसे, तो CF का जो डायमेंशन है उसे हम 8 से डिवाइड कर देंगे। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो PDF है इसे यूज कैसे करना है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो ये आपको दिखा रहा हूँ ये PDF, ये 4x4 और 4x6 और 4x8, और उसके बाद इधर में आप देख सकते हैं 4x10 और 4x12 और 4x14, इतना इसमें साइज अलग अलग है, 6 साइज में यहाँ पे दिया गया है और 8 सेंटर लाइन में ये सब मार्किंग करना है आपको। तो इसमें हमको ये वाला यूज करना है जो 4x6 लिखा हुआ है, 4 इंच बाई 6 इंच, 6x4 का है, तो हमें तो यही वाला जरूरत है, हम यही वाला मार्किंग करके दिखाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो पाइप का जो ओडी है, हाफ ओडी में हम यहाँ पर सेंटर में मार्किंग करेंगे इस तरीका से स्पीड लेवल लगा करके। लेकिन मेरे पास स्पीड लेवल अभी नहीं है, तो मैं अभी ऐसे अंदाज से ही मार्किंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं ये पहला एक सेंटर लाइन हम मार्किंग कर लिए, और इस CF को हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे हम 8 से, और 8 से डिवाइड करने के बाद 8 सेंटर लाइन इसी तरीका से हम मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने टिक लगा लिया है डिवाइड करके, और हम इसमें ऐसे इस तरीका से सेंटर लाइन खींच लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि इसमें 8 सेंटर लाइन टोटल हो चुका है। तो फ्रेंड, हम इस PDF चार्ट में देखेंगे कि सबसे लंबा डायमेंशन इसमें कितना दिया हुआ है, मतलब ये जो लाइन है जो हमको लाइन यूज करना है 4x6 और सेंटर टू सेंटर हमको लगाना है, इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा डायमेंशन कौन सा दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 389 यहाँ पे एक डायमेंशन दिया गया है, जो सबसे ज्यादा है ये वाले लाइन में। तो हम एक 390 पर एक राउंड मार्किंग कर लेंगे। लेकिन ये जो आप पाइप जो देख रहे हैं ये थोड़ा छोटा हो गया है, हमको तो चाहिए 300 से कुछ ज़्यादा, 400 के लमसम में चाहिए, तो 400 तो है नहीं, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ये थोड़ा बड़ा हो गया, आप थोड़ा लंबा सेंटर लाइन मार्किंग करिए जब आपको मार्किंग करना होगा तो। और हम इसमें थोड़ा सेंटर लाइन थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि आसान से मार्किंग हो जाए, पाइप के ऊपर ही बढ़ा लेते हैं। उसके बाद ये जो 389 जो दिया हुआ है, तो हम 390 पर एक यहाँ पे राउंडिंग मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा ही पाइप जो है, ये पूरा जो पाइप है हमारा 390 का हो गया है, और इसी में हम आपको डम्मी सपोर्ट का मार्किंग करके दिखा दे रहे हैं। हमको अब इसमें राउंड मार्किंग करने का जरूरत नहीं है, अगर और थोड़ा लंबा होता तो हम यहाँ पे राउंडिंग मार्किंग कर लेते। लेकिन अब ये समझिए कि ये जो
पाइप का जो एंड है हमारा, ये हमारा राउंड मार्किंग हो गया पाइप के ऊपर। थोड़ा और लंबा पाइप होता तो हम इसमें राउंड मार्किंग कर लेते बीच में। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से ऐसे टिप पकड़ना है, फर्स्ट वाला जो डायमेंशन दे रहा है 389, यहाँ पे हम एक टिक लगा देंगे 389 पे। 389 पर ये टिक लग गया। दूसरा सेंटर लाइन पे दे रहा है ये 378, ये हो गया पहला। और इस वाले लाइन में हम मारेंगे 378, ये यहाँ पे टिक लग गया 378 पे। ये हो गया आपको दूसरा, जो आप ये पीडीएफ लाइन में देख रहे हैं ये दूसरा वाला लाइन में से, तो 378 हम यहाँ पे एक मार्किंग कर दिए। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं जो जो हमने लाइन मारा है। इसमें पहला वाला जो है 389 है, 389 378 78। अब इसमें हम तीसरा वाला मार्किंग करेंगे। तीसरा वाला जो दे रहा है 341, ये पीडीएफ चार्ट में आप जो देख रहे हैं 341 दे रहा है तीसरे नंबर में। इसमें मार्किंग करना है तीन नंबर में 341, ये हो गया 341 पे। और हम इसमें लिख देते हैं ये 341। और उसके बाद दे रहा है चौथे नंबर में 292, तो ये हो गया चौथा नंबर में 292 पे मार्किंग करना है, 292, ये हो गया 292 पे। और इसमें हम लिख देते हैं ये 292। उसके बाद ये पांचवे नंबर पे आप पीडीएफ में देख सकते हैं 271, ये हो गया 271। और यहाँ पे लिख देते हैं 271। अब आता है सिक्स नंबर लाइन में, पीडीएफ चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे छः नंबर लाइन में लिखा हुआ है 292, तो हम यहाँ पे 292 पे एक मार्किंग कर दिए और यहाँ पे लिख दिए 292। अब आते हैं सातवें नंबर लाइन पे, सातवें नंबर लाइन में देखिए पीडीएफ में लिखा हुआ है 341, तो यहाँ पे हम एक 341 पे एक मार्किंग कर देते हैं, तो ये हो गया 341। तो आठवें नंबर में आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है इसमें 378, तो हम इसमें 378 पर एक मार्किंग कर लेते हैं इस तरीका से 378, ये हो गया 378। तो टोटल ये मार्किंग हो गया है, और ये जो हो गया आठवें नंबर लाइन हो गया, और ये जो है एक नंबर है। तो जो ये वाला जो मार्किंग हुआ है इसे हम मिला देते हैं, थोड़ा पाइप को छोटा कर लेते हैं ताकि मार्किंग करने में आसान हो। इस तरीका से हम कोई स्टील का पट्टी वगैरह लेंगे या टेप का पट्टी मतलब कि लेंगे, ये तो मतलब कि लोकल टेप है, स्टील का पट्टी वगैरह लेंगे जो लूज हो, बैंड हो जाए हल्का सा। और ये सब जितना हम पॉइंट मारे हैं ये सभी पॉइंट को एक एक पॉइंट में ऐसे मिला देना है इस तरीका से। ये 27 मार्किंग किया गया इधर से, यहाँ पे जो है इसको भी मिला देना है। उसके बाद ये यहाँ पे मिलाना है, 292 है। उसके बाद यहाँ पे ले आके यहाँ पे मिला देना है ऐसे पट्टी के जरिए। आप इस तरीका का भी पट्टी ले सकते हैं मिलाने के लिए, अच्छा है। और ये सबसे लंबा वाला लाइन है 389 पे मार्किंग किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये मार्किंग हो चुका है। ये जो कोर जैसा बन रहा है यहाँ पे थोड़ा ऐसे राउंडिंग कर लेंगे, ये जो कोर जैसा बन रहा है इसमें थोड़ा पेंसिल से हम राउंडिंग कर लेंगे, ऐसे कटिंग में मेकअप कर लेंगे इसको थोड़ा ऐसे। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे, तो फ्रेंड देख सकते हैं ये कटिंग हो चुका है। आपको रेड कलर का हल्का हल्का लाइन भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत ग्राइंडिंग से आपको हल्का सा इसमें मिलाना पड़ता है। ये जो कोर जो बन रहा है ये कोर नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा राउंडिंग होना चाहिए आपको, ये कैंची से काटने में कोर बन जाता है। तो अब हम इसको एल्बो के ऊपर लगा करके देखेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि ये मैं इस एल्बो में लगा करके देख रहा हूँ, इस तरीका से बिल्कुल बराबर बैठ जा रहा है, किसी प्रकार का गैप वगैरह नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। इसी तरीका से इसमें ये लगाया जाएगा, देख सकते हैं आप,
ये बिल्कुल जो रहेगा आपको इसे इस तरीका से सेंटर में रहेगा। इसको इस तरफ से भी देख सकते हैं आप उल्टा करके, तो फ्रेंड देख सकते हैं कि ये एकदम क्लियर बैठा हुआ है, बिल्कुल गैप वगैरह नहीं है। और आप थोड़ा और अच्छे से काटेंगे, थोड़ा ग्राइंडिंग वगैरह करेंगे, तो और भी अच्छा इसमें सेटिंग आएगा और अच्छा बैठेगा ये।